हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू हो चुकी थी यहाँ से मेरी शादी की तैयारियाँ। तो यहाँ पर आज लगन लिखने जानी थी, तो उसके लिए उससे पहले चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। तो जो दीदी थी उन्होंने मुझे चूड़ियाँ पहनाई। फिर चूड़ियाँ पहनाने के बाद दीदी बोलती हैं कि थोड़ी सी लूज़ हो गई है। बोला कोई बात नहीं, कि चूड़ियाँ बस जो भी लगन की चूड़ियाँ होती हैं वो एक बार में पहनानी चाहिए और वो भी टूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हरी चूड़ियाँ होती हैं उन्हें 1 साल तक चलाना पड़ता है। बेशक एक एक पहनो, लेकिन 1 साल तक आपको हरी चूड़ियाँ एक एक हाथ में डालनी ही होती हैं। और इसके बाद हम तो लोग इधर उन्होंने बोला था कि जब चूड़ियाँ पहनाने जाए तो उसके बाद चूड़ियों को छूना है ऐसे करके, और नमस्ते भी करनी है दीदी से। तो इसके बाद फिर जब लगन का टाइम शुरू हो गया था, तो दीदी ने मेरी हथेलियों में जौ भर दिया था। जो उन्होंने बोला था कि जो जो जौ होते हैं जब भी लड़की जाती है तो पीछे से थोड़ा थोड़ा ऐसा पूरा भर देनी होती है कि पीछे से थोड़ा थोड़ा अपने आप गिरता जाए, और जहाँ तक बैठ रही है वहाँ तक धीरे धीरे मतलब गिरता हुआ जाना चाहिए। और मुझे स्ट्रिक्टली ये भी बोला था वहाँ जाके हंसना नहीं है, एकदम चुप होकर रोना है, एकदम चुप चुप से जाना है। और मुझे ऐसे बोलोगे जब सामने से कि तुम्हें हंसना नहीं है, हंसना नहीं है, तो और ज़ोर से हंसी आ जाती। मैं बोली भाई मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आ रही है। तो फिर मैंने बोला रुक जाओ एकदम चुप होती हूँ। तो एकदम चुप होके फिर मैं सामने गई सब लोगों के वहाँ पे। और क्योंकि ये जो मोमेंट होता है लगन का, शुरुआत हो जाती है यहाँ से। जो एक ब्राइड होती है, ब्राइड के साथ जो उनके घर वाले होते हैं, सब लोग, इमोशनल मोमेंट हो जाता है क्योंकि यहीं से शुरुआत हो जाती है शादी की। तो इसके बाद ये देखिए पंडित जी ने जो भी पहले के कलावे थे वो सारे कलावे जो होते हैं वो हटा देते हैं, और जो न्यू कलावे बांधे जाते हैं, क्योंकि जो भी कलावे होते हैं हटा दिए जाते हैं। और उसके बाद ये उन्होंने पूजा स्टार्ट करवाई। वो यहाँ पर वो जैसे जैसे बता रहे थे वैसे वैसे उन्होंने गोले पे ऐसे टीका लगाना है, फिर ऐसे करके जो भी पूजन कराना है, जिस भी तरीके से जिस विधि से उन्होंने बताया था वो करवा रहे थे। ये देखिए पीछे इतनी सारी आंटियाँ ये गाने गीत गा रही थी। और मुझे साथ में ये और पता चला कि जब भी लगन लिखी जाती है तो हमें येलो साड़ी पहननी होती है। तो येलो साड़ी में हमारे यहाँ पहन का पूजन किया जाता है। इसके बाद ये देखिए पूजा अभी भी चल रही है और गाने भी चल रहे हैं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैंने बोल दिया था मैंने बताते जाना, जैसे जैसे आप बोलोगे मैं वैसे वैसे कर दूंगी। और इसके बाद ये देखो ये कोई एक इमोशनल गाना था जो मेरी मौसी ने शुरू किया था, उसके बाद सब लोग इमोशनल हो गए थे क्योंकि ये मोमेंट होता है ऐसा, एकदम इमोशनल हो जाते हैं सब लोग। मेरी जो मम्मी है मेरे पास में बैठी थी ग्रीन साड़ी में, एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई थी क्योंकि ये वर्डिंग सुन के तो मैं खुद इमोशनल अंदर ही अंदर हो जाई थी, लेकिन मैं कंट्रोल कर रही थी। लेकिन ये होता है ना कि एकदम उस जो मोमेंट होता है एकदम इमोशनल हो जाता है तो नहीं कंट्रोल होता है, तो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल मोमेंट हो जाता है। एकदम वर्डिंग ऐसी कुछ कुछ टचिंग होती है ना गानों की कि एकदम दिल पे लगती हैं, और ये मोमेंट ही ऐसा होता है कि यहाँ से शुरुआत हो जाती है कि हाँ पता चलने लग जाता है कि हाँ भाई अब शादी की जो शुरुआत है वो होने लग गई है। यहाँ पर फिर क्या होता है कि जो लगन पत्रिका होती है उस पर पूरा एकदम पूजन कराया जाता है। पूजन करा के प्रॉपर वो तिलक विलक करा रहे होते हैं, और जो लगन पत्रिका होती है ये बोला जाता है कि लगन पत्रिका को घर में नहीं रखा जाता है। तो उन पंडित जी ने बोला था कि आप मेरे को दे देना, तो हम लोग जब जिस दिन शादी होगी उस दिन लेकर आ जाएंगे। तो ये पत्रिका हमने से पूजन वूजन जो भी करके पूरा बाद में पंडित जी को दे दिया था। तो उन्होंने बोला था कि जो ये उसके बाद पूजा करनी थी तो मम्मी को बोला था छोटे में
कि आप जहाँ पर आपका मंदिर है वहाँ पर जाकर बैठिए और ये जो लगन पत्र का है ये मुझे अपने हाथ से मम्मी के हाथ में देंगी, और मम्मी फिर सारे जो हमारे देवता होते हैं भगवान जी होते हैं सबका आशीर्वाद मम्मी देती हैं पूरा। इसमें जो सर हिलाने का भी जैसे सर हिला के पूरा एकदम आशीर्वाद अच्छे से दिलवाया जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे मम्मी मेरे न्योछावर कर रही हैं, बोला जाता है न्योछावर भी करनी होती है और सब लोग न्योछावर कर रहे थे, जितने भी आंटियाँ थी सब लोगों ने न्योछावर करा यहाँ पे और जो पैसे थे वो रख दिए थे। इसके बाद मुझे उठा के जहाँ पे मंदिर होता है वहाँ पे ले जाया गया था, और जो ये लगन पत्रिका थी मम्मी ने इसको पूछ के और अपने अपने पास रख लिया था। ये देखिए अब ये इस तरीके का प्रोसेस होता है कुछ हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ की शादियों में, ज़रूरी नहीं है आपके यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो, लेकिन हाँ मोस्टली जो नॉर्थ की साइड शादियाँ होती हैं हमारी, जैसे हम मेरा जो होम टाउन है वो मेरा हाथरस है अलीगढ़ के पास, तो मोस्टली उन जिनकी भी इधर साइड के हैं तो सब लोगों की शादी इधर इस टाइप से ही होती होगी, तो आपके यहाँ भी कुछ अलग होता होगा, तो ये नहीं कह रही कि सबका सेम ही है, सबका अलग अलग होता होगा। इस तरीके से ये देखिए मैंने ये दिया। इसके बाद जब मम्मी मम्मी ऐसे कर रही थी पूरा पूजन, तो इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तो मैं कोशिश कर रही थी मैं अपना फेस ना दिखाऊं एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा मैं इस टाइम पे इमोशनल हो गई थी, लेकिन हाँ मैंने पूरा फेस कवर करके रखा था। और ये मम्मी ने आशीर्वाद दिया और ये देखिए इसके बाद ये पूरा प्रोसेस होके हम लोगों ने पूजा पूजन कर लिया था। इसके बाद एक और रस्म होती है हमारे यहाँ जो पीसना बोलते हैं, गांव में तो होती ही थी लेकिन यहाँ पे भी होती है थोड़ा सा काम करने के लिए, तो पीसना भी हुआ था। इसके बाद ये देखिए ये हो गया था, यहाँ पर पूजन वूजन सब कुछ हो गया था, हमारे भगवान जी का आशीर्वाद मिल गया था। और ये देखिए सब लोग जो भी लोग थे वहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपना हाथ लगा रहे थे, और जो गेहूँ जो अनाज वगैरह होते हैं उनका कुछ चीज़ें मिक्स करके पीसना करते हैं। ये एक मतलब एक रस्म होती है हमारे यहाँ कि पीसना करना होता है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी प्यार दिया मुझे पूरी वीडियो देखी, और ऐसे ही साथ में बने रहना क्योंकि मेरी हल्दी मेहंदी और शादी की वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है। धन्यवाद, बाय बाय।